हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने जो टमाटर के पेड़ लगाए थे उसकी ग्रोथ कैसी है, वो कैसे ग्रो कर रहा है, क्या टिप्स और ट्रिक्स मैंने अपनाया, कौन सा खाद मैंने डाला कि मेरे टमाटर जो है वो इतनी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो यही जो चीज़ है, ये प्रोसेस है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप देखो, मैंने 4 डब्बे में अपने खेत से उखाड़ कर इन डब्बों में इन टमाटर के प्लांट को मैंने ट्रांसफ़र किया था, इसमें लगाया था, ये देखो। और ये सब अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये भी। इन पौधों को मैंने कैसे लगाया था, कैसे इन डब्बों में लगाया था इन टमाटर के पेड़ को, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है। एक बार जाकर प्लीज़ मेरे चैनल पर ये वीडियो देख लें कि मैंने कैसे इन पौधों को लगाया था। ये देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इन सब में जो है एक डंडा लगा दिया गया है, एक इसलिए लगाया गया है इन सब इसको, ताकि इसको जो है सपोर्ट मिल सके, सहारा मिल सके और ये अच्छे से बढ़ सके। और इसमें मैंने जब लगाते वक्त कौन कौन सा खाद मिलाया था, कौन कौन सा मिट्टी में खाद डाला गया था जिससे ये इतने अच्छे से, इतनी तेज़ी से, कुछ दिन ही हुआ है लगाया हुआ लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। जबकि मैंने इन प्लांट्स को कोई नर्सरी से या कहीं से ख़रीदा नहीं था, ना बीजों से लगाया था, बल्कि ये जो था मेरे खेत में खुद से हो गए थे और वहाँ से उखाड़ कर इन डब्बों में लगाया गया है। मैंने अपने टेरेस पर लगाया और ये काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं। अब इसमें आप देखोगे इस टमाटर के प्लांट में कि देखिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए कि इसमें जो है फूल आने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, ताकि इसके फ्रूट बन सके। देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से ये सब बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है गुड़ाई किया जाता है मिट्टी का, इसमें जो है इसको अच्छे से मिट्टी सब में गुड़ाई किया जाएगा। और एक चीज़ जो आप इधर देख सकते हैं, जो खाद है, जो स्पेशल खाद है, मैं बताती हूँ, ये जो स्पेशल खाद है वो ये है गोबर का जो सड़ा हुआ खाद होता है ना, वो है। तो गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ही पौधों के लिए लाभदायक होता है। अगर आप इसको अपने गमले में मिट्टी में मिक्स करते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। प्लस जो एक चीज़ ये है, मैंने बताया था और भी आपको, ये जो है ये काफ़ी पौधों के लिए जो है ये मिट्टी को सोना बना देता है। और ये जो चीज़ है वो पोल्ट्री फार्म का जो है, वो जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी का, जैसे गाय का गोबर होता है ना, वैसे ही मुर्गी का वीट होता है, मतलब एक तरह से मुर्गी का मल होता है। वो काफ़ी दिनों के बाद जो कुन्नी होती है उसमें मिक्स होके जो सड़ जाती है, गल जाती है, खाद बन जाता है। तो जब आप इसको अपने पौधों में डालते हैं तो ये जो होता है ये भी काफ़ी अच्छा होता है। और यही जो टिप्स और ट्रिक्स है जिसको फॉलो करके मैंने इन जो बेकार से, मतलब जो प्लांट इधर उधर थे उनको लगा के काफ़ी अच्छे से लगा दिया और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब में फिर से थोड़ा थोड़ा जो है इस खाद को मिक्स किया जाएगा। देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके इसको फिर से सब मिट्टी में लगा दिया जाएगा। और मैंने इन पौधों में कोई भी केमिकल या किसी भी तरह का मार्केट का जो स्प्रे होता है वो कुछ भी नहीं यूज़ किया, ये बिल्कुल नेचुरल है। हर चीज़ मैंने जो इसमें मिक्स किया है वो हर चीज़ नेचुरल, हर्बल या कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक है। इसमें किसी तरह का भी जो है कुछ भी नहीं मिक्स किया गया। और इन प्लांट्स को मैंने कैसे लगाया है तो इसका एक वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग एक बार जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देखें।
और सारे डब्बों में मिट्टी में इस खाद को फिर से मिक्स कर दिया जाएगा ताकि सारे प्लांट्स को उसके पोषक तत्व मिलते रहें और पौधे अच्छे से ग्रो करें। अब इसमें भी देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फूल बनने की भी प्रक्रिया जो है वो शुरू है।